बच्चों, आज हम लोग गणित के पहले पाठ में पेज नंबर तीन पर त्रिभुजों की रचना दिया हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। त्रिभुजों की रचना में सबसे पहले हमें जो बनाने के लिए दिया गया है उसमें है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की रचना करना। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो त्रिभुज की रचना करना है। यानी जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई हमको दी रहेगी, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं की लंबाई दी रहने पर हमें त्रिभुज किस प्रकार से बनाना है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। उदाहरण पेज नंबर तीन पर जो उदाहरण दिया हुआ है मैंने पहले उसे करके बताया है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इसके बाद करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण में हमको दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में लेंथ है, लेंथ एल मतलब लेंथ यानी लंबाई, लेंथ एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, लेंथ वाई जेड बराबर 4 सेंटीमीटर और लेंथ एक्स जेड बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज का नाम हमको क्या दिया है, एक्स वाई जेड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ आकृति बना लेंगे, रफ आकृति यहाँ साइड में छोटी सी बना लेने का, इसका नाम रखने का एक्स वाई जेड। अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं तो हम आधार किसी भी भुजा को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिया है एक्स वाई बराबर 6 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 4 सेंटीमीटर और एक्स जेड बराबर 5 सेंटीमीटर, इस तरह से भी ले सकते हैं। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको आधार ले सकते हैं। इसमें देखो सबसे बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसको भी आधार लिए तो भी त्रिभुज बन जाएगा। किसी तरह से भी तीन भुजाएं दिए हम किसी तरह से भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने ये रफ आकृति बना दी है, अब हम इसको, इस त्रिभुज को रफ आकृति जैसा बनाया गया है सेम यहाँ पर इस आकृति को हम बनाएंगे। आकृति को बनाने के लिए हमारे पास स्केल होनी चाहिए। हम स्केल पे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का जो आधार है वाई जेड 4 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे वाई जेड 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। रेखाखंड खींचने सबको आना चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने क्या किया, इस तरह से एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। इसका नाम यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर रखा, इसका नाम वाई जेड है। इस तरह से नामांकित करते जाएंगे और इसके बाद देखो यहाँ पे वाई एक्स 6 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का गोला प्रकार से चाप ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे। यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये रहा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का हम यहाँ से चाप ले लेंगे, वाई पर रखेंगे और एक चाप यहाँ पे ऐसा लगा देंगे 6 सेंटीमीटर का। और एक्स जेड यहाँ पे देखो, अब एक्स जेड 5 सेंटीमीटर है, अब हम 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे स्केल में, 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेने का, 5 सेंटीमीटर का चाप लिया हमने, यहाँ पे रखा और जहाँ कट होता है वहाँ कट कर दिया। अब जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ से हमने बिंदु वाई को मिला दिया। ये हो गया, और वहाँ से बिंदु जेड को भी मिला दिया।
तैयार हो गया हमारा त्रिभुज। अब इसका 6 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ वाई है, बिंदु जेड है, तो यहाँ पे क्या था, बिंदु एक्स, तो यहाँ पे हम बिंदु एक्स लिख देंगे। तो हमारा त्रिभुज तैयार हो गया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिनकी ये भुजाएं हमको दी हुई थी, यह त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो हम आसानी से इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्न संग्रह दो का एक प्रश्न मैं तुम्हें बता देता हूँ। प्रश्न संग्रह दो है। प्रश्न संग्रह दो में भी सभी तरह से हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं और तुमको त्रिभुज बनाना है इस तरह। तो मैं तुमको पहला प्रश्न